सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज धनतेरस का दिन है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, समुद्र मंथन से अवतरित हुए थे और उन्होंने ही पूरे विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। और आज का जो आयुर्वेद है वो उन्हीं के ज्ञान पर आधारित है। तो आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन हम सभी यही कामना करेंगे कि भगवान धन्वंतरी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का मंगल हो और धन की वर्षा हम सभी पर होती रहे। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर और स्वागत है आप सभी का सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच पर। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली, ये पर्व आपके जीवन में सुखी मंगल लेकर आए, यही कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा आज प्रज्ञा ने बताया कि आज धनतेरस का दिन है, भगवान धन्वंतरी का दिन है और हर व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले और सबसे खास होता है स्वस्थ रहना। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते या हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सहारा होता है, वो होता है डॉक्टर, जिसके पास जादुई शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो हमें स्वस्थ देता है, स्वस्थ जीवन देता है। तो जब बात जिक्र यही कर रहे हैं प्रज्ञा कि आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है, तो क्यों ना आज हम किसी डॉक्टर से ही रूबरू करा लें। तो चलिए आज हम हमारे शहर के जाने माने शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा से आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। सबसे पहले तो धन्वंतरी जी का जन्मदिन है, वो अवतरित हुए थे समुद्र मंथन से, तो आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। और प्रज्ञा, खास बात ये रही है कि कई पेशे होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो ऐसा होता है जो पहले दिन से अपना नाम तो कर ही रहा होता है लेकिन सबसे पहले सेवा भाव से जुड़ जाता है। और डॉक्टर साहब का तो ये एक विशेष योगदान रहा है पूरे परिवार का कि आपकी 5 पीढ़ियां जो हैं वो इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। और आपके जो परदादा जी थे वो तो खुद आयुर्वेद के जाने माने वेद थे। तो सबसे पहले हम, आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है, तो आपसे उनके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आज चिकित्सा सुविधा भारत में और आयुर्वेद के हिसाब से आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज त्रयोदशी है और आज के जब समुद्र मंथन हुआ था जी, उस समय त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। और कल जो चतुर्दशी आएगी उस दिन काली माँ का हुआ था और अमावस के दिन लक्ष्मी माँ का हुआ था जी। तो धन्वंतरी जो थे गॉड ऑफ हेल्थ माने जाते हैं इंडिया में। बिल्कुल। और इनके जो है कई संस्मरण ऐसे हैं कि जो पढ़ो तो बहुत ही रोचक हैं। और एक इनके सुश्रुत्र के साथ इनकी कन्वर्सेशन है जो कि सुश्रुत्र को आरोग्य के बारे में बता रहे हैं और सुश्रुत्र उसको ग्रहण कर रहे हैं। सुश्रुत्र बहुत छोटे हैं लेकिन उसको ग्रहण कर रहे हैं और इसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण में मिलता है जी जी। और सुश्रुत्र के वंशज थे कुछ और सुश्रुत्र के जो रिलेटिव थे उनमें एक दियोदास करके हुआ करते थे, उन्होंने एक शल्य चिकित्सा का इंस्टीट्यूट खोला था काशी में और जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुश्रुत्र को बनाया था। तो ये रेफरेंसेस उस समय की प्रोग्रेस, उस समय की प्रोग्रेसिव नेचर और चिकित्सा के प्रति डेडिकेशन और उस समय शल्य चिकित्सा का खोलना और ये सब जो था धन्वंतरी का जो एटीट्यूड और धन्वंतरी का जो विजन था उसी की वजह से ये सब था जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे, चिकित्सा के बारे में जानेंगे, आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, लेकिन आपके जीवन से कुछ हमने चित्र लिए हैं आपके जीवन के रिलेटेड और उससे हमने एक वीडियो बनाया है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं, प्लीज देखिए।
प्रज्ञा कहते हैं ना, तस्वीरें बोलती हैं, और ये जो एवी था ये खुद डॉक्टर साहब के पूरे जीवन को कुछ पल के अंदर दर्शा दिया है कि वो ना सिर्फ अपने परिवार को भरपूर साथ दे रहे हैं बल्कि अपने प्रोफेशन के लिए कितने ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आयुर्वेद का जिक्र चल रहा था और आज धनतेरस का दिन है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान धन्वंतरी हैं वो देवताओं के भी वैद्य हैं, और आज का जो आयुर्वेद है वो उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित है, और आज हमारे आयुर्वेद को तो पूरा विश्व मानता है। देश में, विदेश में, कहीं पर भी जाएं, आजकल लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, उन चीज़ों को अपना रहे हैं जो हमारे देश ने दुनिया को दी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये उस समय जो काम हुआ था, उस समय जो मेडिकल और जो चिकित्सा जो थी वो शुरुआत थी, और उस समय जो हर्बल प्लांट्स और इनसे जो निचोड़ लिया जाता था उनको चिकित्सा के काम में लिया जाता था, उस समय की जो सुविधाएं हैं वो एडवांसमेंट होते होते आज बहुत आगे बढ़ गई। जैसे प्लांट से निकल निकल के एंटीबायोटिक्स बनी और बढ़ते बढ़ते मेडिकल एडवांसमेंट में हो गया। ये तय है कि उनमें से कुछ चीज़ें जो उस समय थी वो आज फिट नहीं बैठती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से वो 100% फिट थी और बहुत एडवांस थी, और उनसे उपचार भी होता था और शल्य चिकित्सा भी होती थी और गांवों की वूंड की हीलिंग भी कराते थे और सब चीजें होती थी। तो उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस थी और उनकी कुछ चीजें आज ग्रहण करते हुए मेडिकल सुविधा बहुत आगे बढ़ गई। जी नाहिद, जैसे कि आज धनतेरस है, कल रूप चतुर्दशी का दिन है, और आयुर्वेद में तो रूप चतुर्दशी के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि स्किन के लिए और खूबसूरती के लिए आयुर्वेद बहुत फेमस है, बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इसमें ज्यादा कहना तो नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है कि हर्बल जो चीजें हैं वो नेचुरल ब्यूटी के लिए, चाहे हर्बल वो एप्लीकेशन के लिए हो, चाहे वो खान पान के लिए हो, हमारे अपने जैसे हम बच्चों की प्रैक्टिस में कहते हैं कि बच्चों को ये खिलाओ, इनकी वेट बढ़ेगा, इनकी स्किन अच्छी होगी, इनके हेयर्स अच्छे होंगे, तो ये सब चीजें खान पान में और एप्लीकेशन और ये सब चीजें, ये सब हर्बल और प्लांट्स और ये जो होते हैं काम तो आते हैं, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। लेकिन प्रज्ञा, अब कहीं ना कहीं व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा होता है, अपने जीवन में सफलताओं को पा लेता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसका बचपन। बिल्कुल, उस बचपन में वो जिन लोगों के आसपास रहता है वो परवरिश ही आगे उसकी सफलताओं में सहायक साबित होती है। आपके बचपन का जिक्र करना चाहूंगी, और खास तौर से आपके बचपन की एक खास बात ये रही कि आप ना सिर्फ क्योंकि परिवार 5 पीढ़ियों से मेडिकल से जुड़ा हुआ था, आपने ना सिर्फ मेडिकल की बुक्स पढ़ी, आपने संस्कृत भी पढ़ी, आपने हिंदी भी पढ़ी, आपने इंग्लिश भी पढ़ी। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसी परवरिश रही? मेरा जन्म जो है वो जयपुर में ही हुआ था और हम पुराने जयपुर के ही रहने वाले हैं, और जयपुर में ही हमारी अर्ली स्कूलिंग हुई थी और अर्ली स्कूलिंग के बाद प्राइमरी एजुकेशन भी हुई थी और सेकेंडरी एजुकेशन भी यहीं हुई थी। उसके बाद मैंने फिर महाराजास कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर किया था, उसके बाद हमारे टाइम पे पीएमटी हुआ करती थी, पीएमटी में सेलेक्ट होकर मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था, और उसके बाद मैंने पीजी भी यहीं से अपने जेकेलॉन हॉस्पिटल एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूंगी, एक जिक्र था कि आपके बचपन में आपको आपकी जो माता जी थी वो पढ़ने के लिए आसपास भेज देती थी ताकि कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ती रहे, वो क्या था? हाँ, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफर होता रहता था तो स्कूल चेंज होते रहते थे, फ्रीक्वेंट स्कूल चेंजेस से एजुकेशन थोड़ी डिस्टर्ब तो होती है। तो हम जब रहते थे तो पड़ोस में हमारे एक लेडी रहा करती थी, कश्मीरी थी वो, और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लिटरेचर की। तो चूंकि अंग्रेजी सरकारी स्कूल में उस समय और शुरू से कमजोर मानी जाती थी, तो मेरे को अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास भेजती थी। तो हमारे उस समय मुझे वाक्य ध्यान है कि हमारे एक क्वेश्चन आता था अनसीन पैसेजेस करके, अनसीन पैसेजेस देते थे, उसमें से क्वेश्चन पूछा करते थे। तो वो जो लेडी थी वो मुझे पढ़ाती थी, तो मुझे न्यूज पेपर देती थी, उनके यहाँ उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस आया करते थे, तो पेपर देती थी और वो कहती थी एक न्यूज आप पढ़ लो, उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो तीसरी चौथी क्लास में ही न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के छठी तक तो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई और मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगा। और नॉर्मली छठी क्लास में बच्चे न्यूज़पेपर्स पढ़ते नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ता था तो, और हिंदी इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर्स पूरे पूरे पढ़ने लगा। तो ये इस तरह से ये एक वाक्य था कि जिससे मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा बोलते हैं बचपन बहुत मासूम होता है, शैतानियां भी होती हैं, लेकिन आप जैसे पढ़ाई के लिए डिवोटी थे, तो क्या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई या कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने एमबीबीएस किया, टेंथ के बाद आपने फिर साइंस लिया, उसके बाद महाराजास कॉलेज गए, उसके बाद आपने एमबीबीएस किया, क्या कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा पढ़ाई से लेकर?
समस्या का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि हम लोग क्या रूटीन में निकलते गए और रूटीन में सब काम करते गए और रूटीन में हम पढ़ते थे, रूटीन में खेलते थे, रूटीन खाते थे। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उस तरह की फैमिली थी, तो उस फैमिली में ज्यादा कोई एम्बिशन भी नहीं होती कि ये करें वो करें, क्योंकि उसमें बस स्पोर्ट्स, खेलकूद, आस पड़ोस में मिलना और पढ़ाई, ये चीजें होती थी। तो ये रूटीन में हम करते थे, रूटीन चलता गया। तो जब चीजें रूटीन में चलती हैं तो समस्याएं नॉर्मली कम आती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एमबीबीएस के बाद आपने जब स्पेशलाइजेशन का वक्त आता है आपने पीडियाट्रिशियन को चुना, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चों की जैसे बीमारियां होती हैं या छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल जन्म लेते बच्चे भी आपके पास आते होंगे, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है उनको पता करना कि किस तरह की प्रॉब्लम है उसको। तो ऐसी समस्या या फिर ऐसी प्रॉब्लम को किस तरह फेस करते हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पीडियाट्रिशियन को क्यों चुना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पीडियाट्रिक मेडिसिन अपने आप में एक अलग साइंस है, और इसमें जैसे अपने धनवंतरी हुए थे वैसे एक फादर ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी हुए हमारे मेडिकल साइंसेज में, उनका नाम था हिप्पोक्रेटिस। तो उन्होंने उनकी जिनकी ओथ भी चलती है, उन्होंने सिम्टम्स निकाले थे, तो वो सिम्टम्स आगे बढ़ते बढ़ते सिम्टम साइंस, तो ये हमारे क्या सिम्टम है, क्या साइंस है, पेरेंट्स बताते हैं, उससे ये बीमारी में हमें पकड़ने में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन आज प्रज्ञा, आप जिस मशहूर शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से मिल रही हैं, उनके लिए यहाँ तक पहुँचना आसान तो था, उन्हें यहाँ पहुँचना था, लेकिन उनकी पहली पसंद साइंस नहीं थी। कॉमर्स सब्जेक्ट आपने ले लिया जी, था बिल्कुल, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, साइंस बिल्कुल। में कैसे कन्वर्ट हुआ वो बताएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऐसा है कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो डॉक्टर्स का था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे। तो जब मैंने 8th तक मैं स्टेटिस्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था, और स्टेटिस्टिक्स में बनाया करता था बैठे बैठे, जो कि हमारे कोर्स में नहीं होती थी। जैसे मैंने क्रिकेट के ले लिए, इतनी बॉलिंग नो बॉल है, इतनी बॉलिंग ये है, इतनी ऑफ स्पिन पड़ी, इतनी लेग स्पिन, उनकी स्टेटिस्टिक्स बनाया करता था, शौक से बनाया करता था। और 9th में मैंने कॉमर्स ऑप्ट भी की थी, चूंकि हमारा फैमिली एटमोसफियर मेरे ग्रैंड फादर का, मेरे फादर का, मेरी सिस्टर जो बड़ी थी वो डॉक्टर थी, तो उन्होंने, मेरी ग्रैंड मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत फोर्स कर करके मेरे ब्रेन वॉश किया मेरा, और मुझे कहा कि भाई तो अपने तो देख दादा भी डॉक्टर थे, मेरी बहन ने कहा देख मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरे फादर भी डॉक्टर हैं, कर करा के मुझे चेंज करा के, और मुझे 2-3 महीने में बायोलॉजी चेंज करनी पड़ी थी। अच्छा। तो क्या कभी ऐसा मन में विचार आया कि ओहो मेरे तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है, मेरे टेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, कभी ऐसा लगा कि मेरे को जबरदस्ती दिलवा दिया गया? नहीं, ऐसे वी आर प्रोन टू दैट एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे घर में डॉक्टर्स थे और बातें होती रहती थी, तो चूंकि मैं ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अलग ब्रांच में जाऊं, लगा कि ब्रांच तो वही है जो अपन देखते हैं, तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग तो नहीं आई। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि मैंने पहले कॉमर्स ली थी, उसको मुझे चेंज करना पड़ा था। जी, तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आप मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अगर आप उस वक्त मन की करते तो शायद हमारे देश को एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता। और हो सकता है कि कई बार ये भी कहते हैं कि जो आपकी हॉबी हो उसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन बनाते ही आप उससे बोर होने लगते हैं। हो जाते तो हो सकता है कि शायद अभी भी मैं स्टेटिस्टिक्स और एक्स्ट्रा रीडिंग इसलिए करता रहता हूँ कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। जी अच्छा सर, एक और बात है, आपके जीवन में सबसे ज्यादा सहायक रही किताबें, हर पल जो आपके साथ रही वो थी किताबें। और कहते हैं ना प्रज्ञा, एक किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, और वो जो आपको नॉलेज दे रही होती है वो भविष्य में हर पल जीवन के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं काम आती है, सहायक होती है। आपका किताबों से रुचि, किताबों से दोस्ती तो हमें पता चला कि किस तरीके से हुई, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने का आपको खास शौक रहा? जी बचपन से मैं जब चूंकि न्यूज़पेपर्स पढ़ा करता था तो डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराएं उसमें लोगों की पढ़ने की मिलती थी, पॉलिटिकल व्यूज, लोगों के इंटेलेक्चुअल व्यूज, स्पिरिचुअल व्यूज, रिलीजियस व्यूज, और तरह तरह के उनके आते थे। तो धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा तो धीरे धीरे कुछ विचारधाराएं जो मैंने पकड़नी शुरू कर दी, और उनकी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, और मुझे शुरू से बायोग्राफीज पढ़ने का शौक रहा, और बायोग्राफीज मैंने बहुत पढ़ी, और हर वर्ल्ड के जो महान आदमी होता था उसकी बायोग्राफी मैं खरीदता था और पढ़ता था। अच्छा, बायोग्राफी का जिक्र किया है आपने, और जब हम बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं प्रज्ञा, जब आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि उनकी जो अच्छाई है आप अपनाने की कोशिश करेंगे और एक राह दिखाएंगे। जिस तरीके से हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और उनके जीवनी से लोग इंस्पायर होते हैं, उसी तरीके से बायोग्राफी का, कौन कौन सी ऐसी खास शख्सियत है जिनकी बायोग्राफी आपने पढ़ी और वो आपके जीवन में खास प्रभाव छोड़ कर गई? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब शुरू में तो क्या होता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि बायोग्राफी जो पढ़ते हैं आप वही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या 8वीं 9वीं 10वीं में आते आते आपके आइडियाज थोड़े फिक्स होने पड़ते हैं, होने लगते हैं, और आइडियाज जब फिक्स होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है कि आप क्या लाइक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे
कुछ मेरे पसंदीदा लोगों में और जिनको मैं शुरू से लाइक करता हूँ, जिनको फॉलो करता हूँ, जिनके मैंने वर्क्स को अप्रिशिएट किया है, उनमें से कार्ल मार्क्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, और बड़े बड़े होते होते सेकंड एमबीबीएस में आते आते अनंतवर स्वामी विवेकानंद, जिनकी थ्योरीज मुझे बहुत पसंद आई और मैंने बहुत फॉलो की। और यही वजह है शायद आज भी जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को गिफ्ट देने की बात होती है तो आप सबसे पहले किताबें गिफ्ट में देते हैं। जी हमने, मैंने और मेरे घर में मैंने ये सिस्टम्स क्रिएट कर दिया कि अपने को कोई गिफ्ट करनी है तो लोगों को भी किताबें गिफ्ट करनी है, और कोई पूछ के हमें गिफ्ट करता है तो हम कहते हैं किताब गिफ्ट कर दो, और चूंकि हमारे पास इतनी किताबें कहीं रिपीट ना हो तो हम उसको नाम भी बता देते हैं। अच्छा। हम उससे बजट भी पूछ लेते हैं कि आपका क्या बजट है, आप कितने की गिफ्ट देना चाहते हो, तो वो कहता है तो उसमें हम उसको किताब भी बता देते हैं। और मैंने ये बना रखा है कि 20 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसको मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिफ्ट करता हूँ, और 20 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी गिफ्ट करता हूँ, ताकि वो लाइफ को फॉलो करे और इससे पहले वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जाने। तो ये मैंने मेरा एक रूटीन बना रखा। ऐसे में तो आपके घर में भी अच्छी खासी लाइब्रेरी बनी है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल करें, नए नए करते भी करेंगे तो 4-5 हज़ार किताबें मेरे घर में पड़ी हुई है, बहुत सबकी मिला के हमारी 4-5 थाउज़ेंड बुक्स हमारे घर में है, स्कैटर्ड है और फैली हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन है बुक्स घर में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का मौसम है और त्योहारों का मजा पटाखे चलाने में भी है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और अगर पटाखे नहीं चलाए तो मजा नहीं आता उसमें। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसा कि आप पीडियाट्रिशियन हैं तो छोटे बच्चों के साथ में आप घिरे रहते हैं और आने वाले दिनों में समस्याएं भी आने वाली हैं आपके सामने, तो ऐसे में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको सांस की अगर किसी को दिक्कत है तो क्या ऐसा किया जाए कि उन बच्चों को पटाखों के जो धुआं है उससे बचाया भी जा सके और उनकी सांस की दिक्कत को भी कम किया जा सके। देखिए, पटाखे चलाते समय बच्चों को नॉर्मल रूटीन में, चाहे सांस की बीमार हो ना हो, उनको सावधानी रखनी चाहिए। जी, पटाखों के धुएं, एक तो वो पटाखे यूज करने चाहिए जिनमें धुआं कम आता हो जी, और एक पटाखे कम से कम 6-7 फीट के डिस्टेंस पे चलाएं जी, जिससे उनका धुएं का एरिया वहीं बना रहता है, और दूसरा धुएं के पास ना जाएं, और पॉसिबल है जो बच्चे इस तरह की बीमारी वो मास्क लगा के पटाखे चलाएं, और एक जो तेज आवाज वाले पटाखे होते हैं उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उनकी आवाज से सडन लॉस ऑफ हियरिंग होता है, टेम्पररी डेफनेस यानी बहरापन हो सकता है, और कई बार कान के पर्दे पे भी जोर पड़ जाता है, और ये नॉर्मली अपन जो चिल्लाने की आवाज होती है 60 dB की होती है, और 10 dB बढ़ने के साथ आवाज डबल हो जाती है, और ये पटाखे 80-90 dB तक भी आते हैं कई बार, तो जो नॉर्मल अपन चिल्लाते हैं उससे 6 गुना आवाज होती है, तो इस चीज का जरूर। तो कोशिश मेरे हिसाब से प्रज्ञा ये करना चाहिए कि हम कम शोर वाले, कम पोल्यूशन वाले जो पटाखे हैं उनको का इस्तेमाल करें, हम त्योहार सेलिब्रेट करें लेकिन उसमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए फायदेमंद। अच्छा, खास बात ये रहती है कि जिस तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति के त्योहार है वो त्योहार कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं ऋतु परिवर्तन का, मौसम में जो बदलाव आता है। दीपावली जब आ रही होती है तो साथ ही अपने साथ सर्दी ला रही होती है, और सर्दी में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या का सामना करना पड़ता है घर के बच्चों का, ऐसे में उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए ताकि वो मौसमी बीमारियों की चपेट में ना आए। देखिए, ऐसा होता है कि जब ये मौसम परिवर्तन होता है तो ये मौसम परिवर्तन में क्या होता है कि एक तो लोग जो हैं, पब्लिक है, बच्चे हैं, ये कोप अप नहीं करते हैं, सर्दी तो आ जाती है लेकिन रहते कुछ इनिशियल डेज में गर्मियों की तरह ही रहते रहते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू द विंटर सेशन और कोल्ड को मोर प्रोन हो जाते हैं। दूसरा होता है कि ये आइडल वेदर जो होता है ये वायरस भी खूब ग्रो करते हैं इसमें, इसमें बैक्टीरिया भी खूब ग्रो करते हैं, अच्छा इसमें पॉल्यूशन भी खूब फैलता है, तो इसमें एलर्जीज, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और कोल्ड, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, इन्फेक्शियस डिजीजेस, टाइफाइड वगैरह, ये सब चीजें बहुत होती हैं, तो इन सब चीजों के लिए ध्यान रखें, कोल्ड से अपने आप को प्रिवेंट करें, चेंज वेदर के साथ अब्रप्ट अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्लीनलीनेस रखें और पॉल्यूशन से दूर रहें, और बाजार में और ये खाने पीने की चीजें ना खाएं क्योंकि मक्खियां भी इन दिनों में ज्यादा पैदा होती हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो 80% तक हम बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। और नाहिद, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इसमें होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बचपन है, विभाग होता है, वो तो खेलेंगे कूदेंगे लेकिन पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग होनी चाहिए, और पेरेंट्स का जो है
बच्चों को समझाने का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स रेगुलर समझाएं और पेरेंट्स खुद इन बीमारियों से और इस वेदर परिवर्तन से वेल अवेयर रहे। जी हाँ, डॉक्टर साहब अभी आपने एलर्जी की बात की थी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि बच्चों में कितने तरह की एलर्जी हो सकती है, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया नाहिद ने ऋतु परिवर्तन का, तो ऐसे ऋतु परिवर्तन में किस तरह की एलर्जीज हो सकती है बच्चों में? इसमें जो होता है बच्चों में सांस की एलर्जीज, आंखों की एलर्जीज, स्किन एलर्जीज और इन जनरल जो होता है कई बार फूड एलर्जीज भी बच्चों को खूब होती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो काफी बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, फूड एलर्जी का जिक्र किया है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आज से त्योहार चालू हो चुके हैं और खाने पे कंट्रोल नहीं हो पाता, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी नहीं हो पाता, ऐसे में हम बच्चों को फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा सकते हैं, क्या ख्याल रखना चाहिए उनका? बाजार की चीजें बहुत ध्यान रखकर खाएं तो बहुत क्वालिटी की लें और खुली चीजें ना लें, और लेने के बाद उनको स्वीट डिशेज हैं या जो भी उनको फ्रिज में रखें। अनदर थिंग इज दैट कि इस समय मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट का बहुत जोर होता है, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट अगर खराब क्वालिटी के आते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मिल्क की क्वालिटी खराब हो तो एलर्जीज हो सकती है, तो इन सब चीजों का पर्टिकुलरली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का जरूर ध्यान रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पटाखे चलाते ही हैं हम लोग सभी, बच्चे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार हो जाता है कभी हाथ जल गया या पटाखा कहीं पैर वैर पे लग गया, तो ऐसे में क्या ऐसे घरेलू उपाय हो सकते हैं कि उससे तुरंत रिलीफ मिल सके? डॉक्टर के पे तो जाना ही है बाद में, लेकिन ऐसा घरेलू क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, उसमें सबसे पहले बच्चे बर्न हो जाता है, कुछ हो जाता है बच्चों में इमीडिएट है, तो उसमें पहले तो कोल्ड स्पॉन्ज रखें, कोल्ड स्पॉन्ज रखने के बाद उसको वॉश कर दें ताकि जो एलर्जन या जो बारूद या जो धुआं उसके लग गया वो क्लीन हो जाए, उसको क्लीन करें, कोल्ड सेट्स करें और उसमें सूदिंग क्रीम लगा दें, और उसके बाद थोड़ा उसको जब आराम पड़े तो नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जी जी जी, यानी सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रज्ञा तुमने नोट किया होगा, त्योहार की तो बात है ही, लेकिन आजकल बच्चों के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया है, बच्चे चिड़चिड़े वक्त से पहले होने लगे हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट डाल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं या टीवी में, तो किस तरीके से उन्हें दूर रख सकते हैं, क्या कुछ सावधानियाँ हैं और कितना हार्मफुल है उनके लिए ये सब कुछ? देखिए, मीडिया, मोबाइल, टीवी, ये आज के युग में ज़रूरी तो है और कुछ लिमिट तक बच्चों को दिखाने भी चाहिए, नहीं क्योंकि बच्चे अगर इनसे आउटडेट हो जाएंगे तो बहुत बैक में रह जाते हैं। लेकिन अत्यधिक जब जो ज्यादा मिसयूज हो रहा है इसका, वो भी अपने को रोकना होगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे देखते हैं खाने पीने का, एजुकेशन का, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं, तो उनकी क्या है कि जो थिंकिंग बनती है वो बहुत बड़े बड़े बनने की बनती है। और एक बहुत बड़े फेमस फिलोसफर थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटिस, हमारे जो फादर ऑफ वही थे सिम्टम मेडिसिन, वो ये क्या करते थे कि ड्रीम देखने की उसी को राइट है जो मेहनत कर सकता है। तो बच्चे ड्रीम तो देख लेते हैं लेकिन मेहनत का लेवल हर बच्चे का बराबर नहीं होता, तो कुछ बच्चे कम मेहनत कर पाते हैं, कुछ ज्यादा कर पाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लोअर एवरेज होते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं, तो उस हिसाब से उनके अचीवमेंट नहीं होते, तो चिड़चिड़ापन और रिवोल्यूशनरी नेचर और घर में जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उनसे पैदा हो जाते हैं उन बच्चों। आप खुद भी घूमने के बहुत शौकीन रहे हैं और ना सिर्फ राजस्थान, आपने पूरा भारत घूमा है कुछ जगहों को छोड़कर, तो वो अनुभव कैसा रहा और कितना मददगार होता है वो घूमना? देखिए, मैं पूरा भारत बहुत डिटेल में घूमा हूँ जी, और घूमने के बाद ये पता चलता है कि घूमने से एक तो आपका विजन बहुत ज्यादा बढ़ता है जी, और हर स्टेट अपने आप में अलग है और हर सिटी अपने आप में अलग है, और मैंने तो ये देखा कि हर 50 किलोमीटर दूर जाते हुए लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो पहनावा चेंज हो जाता है, पहनावा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज होता है, खान पान चेंज हो जाता है, जाति प्रथा चेंज हो जाती है, रहने का स्टाइल लोगों का चेंज हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हर आदमी को खूब घूमना चाहिए, घूमने से ये फायदा मिलता है कि एक तो आदमी जो होता है कि वो रेसिज्म और कास्टिज्म को भूल जाता है, घूमने से जो जो आदमी जाता है घुमा हुआ था वो रेसिज्म और कास्टिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, रिलीजन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि इतने डिफरेंट लोगों से मिलता है, इतने कई कल्चर को समझने का मौका मिलता है, कल्चर लोगों को मिलता रहता है, तो और दूसरा आप दूसरी स्टेट के बारे में जानते हो, आप अपनी स्टैंडिंग समझते हो, आप दूसरे कल्चर देखते हो अपने कल्चर में क्या समानता, तो ये चीजें बहुत सीखने को मिलती है, और ये
सीखने से लाइफ के डेवलपमेंट में बहुत सहायक सिद्ध होती है। और सबसे ज्यादा खास हमें हमारे देश की खूबसूरती देखने का मौका मिलता है कि हमारा पूरा देश कितना खूबसूरत है। नाहिद, मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे डॉक्टर साहब है, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि खुद के लिए वक्त नहीं मिलता होगा, ऐसे में जो घूमने का जो शौक है वो कहीं ना कहीं मेंटली भी रिलैक्स रखता है। जैसे मुझे भी शौक है, नाहिद को भी घूमने का बहुत शौक है, तो ऐसे में कितना आपको मददगार होता है ये घूमना फिरना मेंटल को रिलैक्स, मेंटल स्टेट को रिलैक्स। मेंटल बहुत रिलैक्सेशन होता है, बहुत आप रिलैक्स फील करते हो और इससे मेंटली टेंशन फ्री होते हो और कुछ दिन के लिए आप बिल्कुल अपना रूटीन भूल जाते हो। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये इसलिए जरूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ में भी सहायता मिलती है। अच्छा प्रज्ञा, एक जिक्र करना चाहूंगी, कहते हैं ना कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप जो लिखते हैं उसे अनगिनत लोग पढ़ते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं, और आपके लिए कलम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लिखने के खासे शौकीन रहे हैं, आपके तकरीबन 1000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स छप चुके हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशी जो अखबार है आसपास के जितने भी कंट्री हैं वहां पर भी आपके आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। वो अनुभव कैसा रहा और पहले सबसे पहले आर्टिकल लिखने का आपके पास ख्याल कैसे आया, कैसे लगा आपको कि मुझे कुछ लिखना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि मैं शुरू से बचपन से अखबार और मैगजीन्स पढ़ा करता था, तो सबसे पहले मैंने उनमें जो लेटर्स टू द एडिटर लिखना शुरू किया था, और हम उस समय पोस्ट कार्ड से भेजा करते थे जैसे, तो और पोस्ट कार्ड 5-7 दिन में पहुंचता था, तो 10-15 दिन एक महीने वाले नेक्स्ट इशू में आया करता था। और वो जब लेटर आने लगा तो उत्साह बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और मैंने कुछ स्पोर्ट्स पे भी शुरू में लिखा करता था स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे, स्पोर्ट्स में मुझे अभी तक ध्यान है एक मैगजीन आती थी स्पोर्ट्स वर्ल्ड करके, मंसूर अली का पटौदी जो थे वो उसके एडिटर हुआ करते थे, उसमें मैंने एक 1/4 पेज का आर्टिकल लिखा था जिसका बहुत एप्रिसिएशन हुआ था। उस समय एप्रिसिएशन आपके पास मेल पे या फोनों पे नहीं आता था, वो लेटर्स टू द एडिटर में ही लिखा हुआ था कि ये आर्टिकल हमें अच्छा लगा। तो उसमें उस आर्टिकल का टाइटल था हॉकी इज बाई डांस एंड क्रिकेट इज बाई चांस। तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ था। उसके बाद मैंने और लिखने शुरू किए और कुछ मैंने 90s में पॉलिटिकल भी लिखे, मेरे मेडिकल कॉलेज टाइम पे पॉलिटिकल भी लिखे, वो भी कुछ अप्रिशिएट हुए। फिर जब से मैंने क्लिनिक प्रैक्टिस शुरू की तो मैं फिर टोटल हेल्थ पे आ गया। और ये अप्रिशिएशन मिलता था, ये आपको इतना यूफोरिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है। मैं मानता हूँ कि उसमें इतनी ताकत होती है कि जो एक सोल्जर के पास बंदूक होती है उसमें उतनी ताकत नहीं होती। बिल्कुल। और मैं उस समय एक विक्टर हुगो एक ऑथर हुआ करते थे, उनकी एक कोटेशन थी, द पेन इज ऑलवेज माइटियर देन द सोल। तो वो मेरे को सच लगने लगी। और राइटिंग से प्रतिष्ठा और आपका यश और आपकी कैलिबर, आपके पास अच्छे अच्छे लोग आए लगे, तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। कई हेल्थ आर्टिकल भी लिखे हैं आपने। मैंने सारे उसके 98 के बाद मैं हेल्थ आर्टिकल ही लिखता हूँ, कुछ कुछ मैं फैशन पे भी लिख देता हूँ, जैसे टाइस पे मैंने कुछ आर्टिकल लिखे हैं। अरे वाह। वर्ल्ड ऑफ नेक टाइस करके फैशन मॉन्यूमेंट करके मैंने लिखा था, जम्मू कश्मीर का एक लीडिंग पेपर था, उसमें उसका बहुत अप्रिसिएशन छपा था। और उसका उस पेपर में उस कॉलम के पास में शहनाज हुसैन का भी कॉलम आता था ब्यूटी का, क्योंकि वो फीचर्स का संडे मैगजीन में आता था, तो उस मेरे आर्टिकल को शहनाज हुसैन ने भी अप्रिशिएट किया था। बहुत तो ये चीज बहुत है जो कि ये आपको बहुत ताकत देती है। लेकिन नाहिद ऐसा बोलते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी राइटिंग इतनी खराब होती है कि समझ में नहीं आती, ऐसे में डॉक्टर साहब को लिखने का शौक है, ये बहुत अद्भुत बात है। बात ये कि लिखना तो मेरे को खुद को लिखना पड़ता है, छपके तो वो आते वो सब पढ़ सकते हैं, तो मेरी राइटिंग नहीं पढ़नी पड़ती छपने में। यही बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना प्रज्ञा कि एक अच्छा आर्टिकल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। और डॉक्टर साहब ने तो अपने आर्टिकल के लिए कई अवार्ड सम्मानित भी हुए हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे, वो कौन से अवार्ड थे जिनके लिए आपको सम्मान दिया गया, जो सम्मान दिया गया आपको लेकिन वो सबसे करीब रहे आप? हाँ, मुझे बहुत स्टेट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल्स पे और दिल्ली लेवल पे मुझे कई अवार्ड मिले और जगह जगह मिले, लेकिन चूंकि क्लोज तो आपके वही रहता है जो फर्स्ट होता, जो फर्स्ट होता है। और मैं 98 में मैंने शुरू किया था काम और मुझे 2003 में ही एक अवार्ड मिल गया। अरे वाह। और मुझे अभी तक जाना है, उसका नाम था श्री कल्याणी अलंकरण, और वो सूचना केंद्र जयपुर में उसका प्रोग्राम हुआ था, और उस समय के शिक्षा मंत्री वहाँ के चीफ गेस्ट थे, और 14 जनों को अवार्ड दिया गया था और उसमें सब 80+ लोग थे, 70-80+ लोग थे। तो उस समय मैं आई वॉज इन माई 30s, तो मुझे लगा कि यार
कितनी खुशी की बात है कि मैं इतना छोटा आदमी इतने बड़े लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने चला चला के खुशी के मारे उन लोगों के साथ सबके साथ फोटो खिंचवाई और मैं सबको दिखाता फिरता था, देखो इतने सीनियर आदमी को मिला, मुझे भी इसके साथ अवार्ड मिला। तो ये चीजें क्लोज तो वही रहती है कि जो आपको शुरुआत में मिलती है, और यही वो जो यादें होती हैं जो ताउम्र हमारे जहन में रहती है और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाती है। लेकिन आर्टिकल लिखने के साथ आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स आर्टिकल का, आपकी खुद की भी खासी रुचि रही है स्पोर्ट्स में। हाँ, मैं कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, गेम हैं जिनमें आपकी रुचि है? जी जी जी, मैं स्कूल टाइम में क्रिकेट खेला करता था और बैडमिंटन में शुरू से खेलता था। स्कूल टीम में भी रहा बैडमिंटन में, मार्जस कॉलेज की टीम में भी मैं रहा बैडमिंटन टीम में, और मेडिकल कॉलेज की टीम में भी मैं बैडमिंटन में रहा और कैप्टन में रहा था मैं। तो बैडमिंटन से मेरा शुरू से अटैचमेंट रहा और मैं खेलता रहा था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद में भी थोड़ा बहुत अटैच रहा, लेकिन फिर प्रोफेशनल जो मेरी बिजनेस है और प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसी है इसकी वजह से मैं धीरे धीरे थोड़ा सा दूर हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या कभी अभी भी मौका मिलता है तो बैडमिंटन खेलते? हाँ, मैं आस पड़ोस में बच्चों को खेलते देखता हूँ तो मैं उनसे लेता हूँ रैकेट, खेलता हूँ और उनको बताता हूँ कि बैकहेंड ये होता है, सर्विस ऐसे करो। हालांकि मैं वो उस क्वालिटी की कर तो नहीं पाता हूँ अब, लेकिन उनको मैं टिप तो दे ही देता हूँ। कहीं ना कहीं ये प्रज्ञा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है, फिट रहने के लिए खेल जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर खेलना चाहिए। मैं ऐसे बच्चों को अभी भी मैसेज दूँ कि सब खेलो, खेलने से मैं उनसे कहता हूँ कि हर आदमी प्रकाश पादुकोण या सचिन तेंदुलकर या टॉप पे तो नहीं जाएगा, लेकिन खेलने से आपकी मानसिकता एक अलग होती है और एक विजन अलग होता है और एक आपकी पर्सनालिटी में अलग निखार होता है। सर आपने बताया कि खेलना बहुत जरूरी है, आउटडोर गेम, इंडोर नहीं आउटडोर गेम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है खुद को फिट रखने के लिए वॉक करना या फिर योगा करना, क्योंकि आपका खुद का भी खहरा शरीर है। तो अपने आप को ऐसे में फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? जी देखिए, नंबर वन जो एक्सरसाइज होती है वर्ल्ड वाइड फिजिकल फिटनेस के लिए, दैट इज वॉकिंग जी, एंड नंबर टू इज साइकिलिंग जी, और उसके बाद फिर बहुत चीजें आ जाती हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं जी। वॉकिंग जो एक्सरसाइज है दैट इज मस्ट, और इसके लिए किसी के पास कम टाइम है तो कम टाइम में भी वॉकिंग ऐसी कर सकते हो जिससे आप फिटनेस रहो। उसके लिए होता है कि आप 1 किलोमीटर की वॉक करो और दैट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 8 मिनट्स। Okay. That should be a, not jogging, walking. Walking. Walking within, completing within 8 minutes. तो ये आपकी फिटनेस, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि 6 किलोमीटर नहीं घूम सकता, ये नहीं घूम सकता, ये आधा घंटा नहीं है, बिजी लोग हैं, तो 8 मिनट हर आदमी के पास होते हैं और वो 8 to 15 मिनट्स की वॉक हमेशा कर सकता है। तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड नंबर टू इज साइकिलिंग, और मैं आज भी साइकिलिंग करता हूँ रेगुलर, 25 to 30 मिनट्स की साइकिलिंग करता हूँ, चाहे वो रात को मैं 11 बजे करूँ चाहे सुबह करूँ, रोज करता हूँ। और मेरी पुरानी साइकिल जो स्टूडेंट टाइम की है उस समय आकृति एटलस की गोल्ड लाइन, वो अभी तक चल रही है, उसी को मैंने ठीक ठाक करा के रखी है। अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं कोई बड़ी साइकिलें और ये नई साइकिलें खरीद रहा हूँ। पुरानी साइकिल का आपने जिक्र किया और पुरानी चीजें खासतौर से कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, वो आपके जीवन में बहुत खास रही हैं। मैं खुद नहीं, आप खुद ही बताइए कि वो कौन सी खास चीजें हैं जो आज भी आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपने कई पूर्वजों की जो चीजें थी कई मैंने पुरानी थी तो वो मैंने ले ली। जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनकी मेरी एक डेस्क पड़ी हुई थी, अच्छा टेबल थी, 1914 की बनी हुई थी वो। अच्छा, वो मैंने मेरी ग्रैंडमदर से ले ली और आज भी वो मेरी क्लिनिक में मैं वही रखता हूँ। पेशेंट बेड मेरे ग्रैंडफादर क्या बना हुआ था 1934-30 के करीब का, वो मैंने टेक ओवर कर लिया मेरी ग्रैंडमदर से, वो मेरी क्लिनिक में पेशेंट बेड वही लगा हुआ है। आप जाओगे क्लिनिक में आपको इतने मॉडर्न पेशेंट बेड दिखेंगे कि स्टील का रिवॉल्विंग और ये, और मेरी क्लिनिक में कोई आता है तो वो वुडन पुराना अजीब सा दिखता है, तो उसको ये कहाँ से है? तो मैं उसको बताता हूँ कि ये, और आई फील प्राउड ऑफ दैट। तो ये चीजें ऐसी हैं कि, और कुछ टाइम मैंने मेरे फादर की पुरानी साइकिल पड़ी थी, एक इंग्लैंड की साइकिल आया करती थी उसमें मैं रैले करके, एक रैले कंपनी थी, वो कुछ टाइम चलाई लेकिन फिर वो नई साइकिल ले ली थी उसके बाद मैंने। जी सर, फिट रहने का जिक्र हुआ था आपके मुंह से तो हमने सुन लिया कि अपने आप को फिट रखने के लिए क्या किया जाए, लेकिन आपको भी हम दिखाते हैं कि और अपने आप को फिट कैसे रखें और किस तरह के हम योगा या आसन कर सकते हैं कि हम अपने आप को फिट रख सकें। चलिए देखते हैं की फिट। जॉगिंग, इस जॉगिंग के लिए सबसे पहले हाथ का अंगूठा अंदर रखकर मुट्ठियां बांध लेना है और पंजों के बल धीरे धीरे जंपिंग करते हुए धीरे धीरे जंपिंग करते हुए पैर के पंजों के बल, इसमें पूरी बॉडी को पंजों के बल हमें लिफ्ट करके रखना है
एड़ियां टिकाने से एड़ी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पैर के पंजों के ऊपर ही हमें जॉगिंग करना है, जिससे सारी मेटाटार्सल बोन्स हमारी खुल जाएं और हेड टू टो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए। इस अभ्यास में हाथ का अंगूठा अंदर रखना है, मुट्ठियां बांध करके हाथ का अंगूठा अंदर, जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को कंट्रोल कर जो जॉगिंग कर रहे हैं उसको हम पूरे बेनिफिट्स इसके ले सकें। सेकंड में अपने स्टिमुलेशन के लेवल को बढ़ाएंगे बैकवर्ड जॉगिंग से, पैरों को पीछे से ऊपर उठाते हुए नाक से लंबा गहरा सांस लेते रहना है और कोशिश करना है एड़ियों को नितंबों पे, एंकल को बटक पे टच कराते हुए। इस स्थिति में नाक से लंबा गहरा सांस लेते रहना है, लोअर पोर्शन के जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए साइड जॉगिंग, पैरों को साइड में ले जाकर हिप जॉइंट को रिलैक्स, सिंपल जॉगिंग पंजों के बल। इस स्थिति में श्वास की गति बढ़ रही है, नाक से लंबा गहरा सांस लेते रहना है, अपने स्टिमुलेशन के लेवल को और बढ़ाएंगे, हाथ नीचे और पैरों को सामने से ऊपर उठाएं, फॉरवर्ड जॉगिंग, सामने से जितना अधिक ऊपर उठा सकते हैं, घुटनों को मोड़कर और अधिक ऊपर और अधिक ऊपर, कोशिश करना है घुटनों को आगे तक जितना अधिक से अधिक ऊपर उठा सकें। इस स्थिति में श्वास नाक से लंबा गहरा लेते रहना है, साइड जॉगिंग, पैर साइड में ले जाएं, सिंपल जॉगिंग। इस प्रकार 2 से 3 मिनट तक जॉगिंग करके हम अपने सर्कुलेशन को, अपने हृदय की गति को, श्वास की गति को हम बढ़ाकर तमस से रजस की तरफ आ गए। धीरे से रुक जाना है, शीघ्रता से शरीर को सामान्य करने के लिए पैर खोलकर, घुटने मोड़कर, हथेलियों का दबाव घुटनों पे और नाक से सांस अंदर और मुंह से फूंक मारते हुए सांस बाहर। नाक से सांस इसमें अंदर लेना है और मुंह से फूंक मारते हुए सांस बाहर निकालना है। इससे लंग्स की एक्सहेलेशन कैपेसिटी को हम बढ़ाकर शीघ्रता से अपने आप को सामान्य कर रहे हैं। हथेलियों का दबाव घुटनों पर रखना है, जिससे हमारी नी की मसल्स भी साथ के साथ रिलैक्स होती रहें। धीरे से रुककर सांस भरते हुए ऊपर, पैर पास में, गर्दन हल्का सा पीछे और विश्राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी में। और देखा प्रज्ञा तुमने कैसे हम योग के जरिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए योग जितना सहायक है उतना ही सहायक होती है आपकी हॉबी, आपका शौक। योग के साथ अगर शौक भी हो ना तो व्यक्ति हर वक्त स्वस्थ ही रहता है, और वो हॉबी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सहायक सिद्ध होती है। सर, आपकी हॉबी किताबें पढ़ना तो है, उसके अलावा क्या कुछ खास है जो आप पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं रेगुलर रूप से किताबें भी पढ़ता हूँ और म्यूजिक भी मेरा शौक है। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ओल्ड क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल, ये रोज मैं 15-20 मिनट आधा घंटा कम से कम सुनता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब तो म्यूजिक के इतने रिसोर्सेज आ गए कि आप आसानी से कोई भी, पहले तो ये होता था कोई म्यूजिक आपको पसंद है मिलता नहीं था, कैसेट आप ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, तो अब तो यूट्यूब वगैरह और सब इतने आ गए हैं। तो ये रेगुलर रूप से मैं सुनता हूँ, और वॉकिंग मेरी हॉबी है, साइकिलिंग मैं करता हूँ रेगुलर रूप से, और थोड़ी थोड़ी मौका पड़ता तो मैं गार्डनिंग भी करता हूँ। अच्छा प्रज्ञा, तुम सवाल पूछने वाली हो, लेकिन हाँ, एक जिक्र हुआ है संगीत का, म्यूजिक के, और आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं तो अब तो म्यूजिक थेरेपी भी आ गई है स्वस्थ रहने के लिए, वो कितनी कारगर होती है? जी बिल्कुल ठीक है, अगर आइसोलेटेड रूप से और कॉन्सेंट्रेट होकर म्यूजिक को सुना जाए तो म्यूजिक बेसिकली किसी भी प्रेयर से ज्यादा बेटर है म्यूजिक सुनना। बिल्कुल, और कुछ लोग कहते थे कि म्यूजिक इज एन ऑफरिंग टू गॉड। बिल्कुल, और एक चाइनीज प्रोवर्ब थी
कि इफ यू वांट टू एंजॉय डे गेट ड्रंक एंड इफ यू एंजॉय इफ यू वांट टू एंजॉय द होल लाइफ लिसन टू द म्यूजिक. बिल्कुल. तो म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है कि आपके दिमाग को रिलैक्स करती है और कई जगह अब तो म्यूजिक थेरेपी बहुत बीमारियों में देने लग गए हैं. जैसे अभी ये बॉम्बे के पास खंडाला लोनावाला है, वहाँ पे म्यूजिक थेरेपी सेंटर है जहाँ पे ब्लड प्रेशर न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस का म्यूजिक थेरेपी से इलाज करते हैं. डिफरेंट क्लासिकल म्यूजिक्स और अब तो ये डिफरेंशिएट करने लगा कि दिस म्यूजिक इज फॉर गुड फॉर न्यूरोलॉजिकल केसेस, दिस पर्टिकुलर म्यूजिक इज गुड फॉर दैट हाइपरटेंशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स. तो ये रिसर्च चल रहे हैं, कुछ वेव्स हैं और रिलैक्सेशन जो होता है और सब बीमारियां आगे पीछे टेंशन एंड स्ट्रेस से तो रिलेटेड होती हैं. तो उनको आप रिलैक्स करोगे तो निश्चित रूप से बीमारियां भी रिलैक्स होती हैं. और बहुत सही बात की डॉक्टर साहब आपने कि हमें जो संगीत होता है वो परमात्मा से जोड़ता है. और संगीत की तो ये खासियत है कि जब हम कभी परेशान हो तो संगीत का साथ लीजिए, बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, आपकी टेंशन आधी हो जाएगी. डॉक्टर साहब एक जिस लेवल पे आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए यकीनन मेहनत बहुत की है आपने, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर अपनों का साथ ना हो तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल को पार नहीं कर सकते. ऐसे में आपके परिवार के बारे में पूछना चाहूंगी, किन किन का आपको सपोर्ट मिला और कौन कौन है आपके परिवार. जी जी, देखिए हमारे घर का एटमोसफियर जो था शुरू से एजुकेशन की टूवर्ड्स एजुकेशन था जी, टूवर्ड्स हाउ टू इंक्रीज इंटेलिजेंस की तरफ था जी. और हमारे घर में मैंने कभी किसी को ये सुनते नहीं देगा कि तू कितना कमाता है, तूने कितना जमीन ली, क्या ली, अरे तूने यार कौन सा कोर्स किया, अरे कौन सी किताब पढ़ रहा है. तो पढ़ते पढ़ते माहौल ऐसा हो जाता है. और मेरी चूंकि 5 generation डॉक्टर्स हैं, जी जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हुआ करते थे वो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे जी जी. और मुझे अभी तक जाना है चौड़े रस्ते में हमारे ताड़केश्वर जी के मंदिर के पास एक व्यास औषधालय उनका चला करता था जहाँ पे वो आयुर्वेदिक दवाइयां दिया करते थे. उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर वाज अ मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने उस समय नया नया खुला था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ से MBBS किया था. फिर मेरे फादर ने डॉक्टर थे, उन्होंने यहाँ थर्ड बैच SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS पास आउट किया था. देन आई पास आउट फ्रॉम दिस SMS इंस्टीट्यूट. और अब मेरे फिफ्थ जनरेशन बच्चा मेडिकल में एंटर हो गया, वो कर रहा है. तो हमारी जनरेशन अच्छा. और चूंकि हमारे जो लेडीज थी, दादी मेरी, मदर मेरी वाइफ और मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, सबका लिटरेट लेवल बहुत हाई था. जैसे मेरी वाइफ अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, मेरी मदर MA इंग्लिश थी ऑल्दो शी वाज हाउसवाइफ, मेरी ग्रैंड मदर संस्कृत की विदुषी थी, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर उस समय की भी हुआ करती थी जो कि बहुत बड़ी बात होती थी. थी सब हाउसवाइफ. तो हमारे घर में क्या है कि मेडिकल का तो माहौल था ही और इन लोगों की भी किताबें पढ़ी रहती थी. जैसे मेरी मदर की किताबें, मेरी वाइफ की किताबें, शेक्सपियर पढ़ा है, प्रेमचंद पढ़ा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पढ़ा है, चौसर की इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं, आर के नारायणन पढ़ा है, मुल्कराज पढ़ा है. तो ये सब चीजें किताबें पढ़ी रहती थी, खुशवंत सिंह की किताबें पढ़ी हैं. तो हम ये भी देखते थे, तो देखते थे ये भी टेस्ट डेवलप हो गया. तो हमारे घर में क्या है कि सब जो है वर्सेटाइल होते जाते हैं कि अपने फील्ड के तो हैं और नॉलेज भी होती है. तो एक मिक्स पर्सनैलिटी टाइप इस तरह मैं निकलता गया और आगे बढ़ता गया. और उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद चीजें काम की नहीं है, लेकिन जैसे सोसाइटी में बढ़े आगे बढ़े तो प्रोफेशन के बाद लोगों से जब इंटरेक्शन होता था तो और फ्रेटर्निटी वालों के साथ भी मुझे उठने बैठने का मौका मिल जाता था. तो उससे और बेटर हो वो कहते हैं ना प्रज्ञा, जब ये ज्ञान मिलता है आपको और ये ज्ञान बांटते हो आप, वो बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन आप ना सिर्फ अपना ज्ञान भी बांटते हैं, साथ ही आप चिकित्सा सेवा में भी अपनी जो सेवा है वो बांटते हैं. कई कैंप ऐसे लगाते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं चाहे वो गरीब बस्तियों के बच्चे हों जिनके स्वास्थ्य का ख्याल आप रखते हैं, उन कैंप के बारे में हम आपसे जानना चाहें. जी बिल्कुल. मैंने जब से क्लिनिक शुरू की तब से मैंने स्कूल्स में वर्कशॉप शुरू की थी. और मुझे ध्यान है मैं बच्चों की स्कूली प्रॉब्लम पे वर्कशॉप करता हूँ और करता उस समय भी करता था जी. कि बच्चों को स्कूल में क्या प्रॉब्लम आती है, लर्निंग समस्या क्या होती है, बुलिंग ऑफ द चाइल्ड क्या होती है, स्कूल फोबिया क्या होता है, हैवी स्कूल बैग से क्या खराब इफेक्ट आते हैं. तो टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चों की मैं वर्कशॉप करता था. और कई स्कूलों में कॉन्सेप्ट नहीं होता था वर्कशॉप करके, मैं उनसे जोर देके फोन करके कहता था मैं करना चाहता हूँ, कराओ. और ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड नहीं होती थी क्योंकि मैं बस्सी के आगे जाके एक छोटे सरकारी स्कूल में कर रहा हूँ, कानोता में कर रहा हूँ. तो वो मेरे को पेशेंट के लिए नहीं, वो मुझे लगता था कि इन बच्चों को पता चले और स्कूलों में पता चले. और करते करते अभी तक मैं कम से कम ऐसी 1000 से ऊपर वर्कशॉप कर चुका हूँ. और जब मैंने शुरू की थी तो लोग कहते थे ये क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट होता है. लेकिन मैंने कहा ये मेरी हॉबी है और मुझे करनी है और मुझे बच्चों तक पहुँचाने, क्योंकि ये मैसेजेस
ना तो क्लिनिक में आने या पेशेंट हैवी स्कूल बैग्स की वजह से जो घबराव हो रहे हैं, स्कूल फोबिया हो रहे हैं, ये लोग एक रूटीन एक्सरसाइज मान के, अरे यार बच्चा स्कूल जाने से डरता है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अरे यार बाहरी स्कूल बैग तो होते ही है। तो ये जब मैंने किए तो इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, स्कूलों से क्वेरी आती थी, पेरेंट्स पूछते थे, तो ये चीजें। और इनडायरेक्टली मैंने, कहते हैं ना कि एक भिखारी को एक तो पैसा दो खाने के लिए और एक उसको खाने के लिए नौकरी दे दो, जी, तो जी। मैंने कहा कि बीमारी ठीक करने से अच्छा है कि इनको अवेयर कराओ ताकि इनकी बीमारी ठीक होगी। तो ये जो तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से, और मैंने एक अवेयरनेस मेरा ब्यूरो भी बना रखा है, तो मैं जगह जगह पे जाके अभी भी बुलाते हैं, मैं जाता हूँ साल में 4-5 साल मेरे इनवाइटी रहता हूँ, जाता हूँ। और मेरा एम रहता है जितना छोटा सेंटर हो उतनी मेरी उसकी प्रायोरिटी रहती है, मैं जितना छोटा सेंटर हो जितना पेरिफेरी में वहां जाना चाहता हूँ। और नाहिद, ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम समाज से सब लेते हैं लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और देने में भी आप उसको दवाइयों की हेल्प करोगे, आप उसको फ्री कंसल्टेशन दोगे, आप उनको फ्री स्कूल, दैट इज टेम्पररी, आप उनकी नॉलेज को चेंज करोगे, उनको कॉन्सेप्ट लाओगे, तो दैट इज परमानेंट। तो ज्ञान, मैं सोचता हूँ कि मेडिकल साइंस का जो ऐसा कि जो ज्ञान से बीमारियां उसका बांटा जाए तो बेटर रहता है। अच्छा, बांटने का जिक्र आया है ज्ञान का, इस वक्त मौसमी बीमारियों का जैसे हमने अभी जिक्र किया था, लेकिन एक बीमारी जो है, एक वायरस है जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, वो है जीका वायरस, जो काफी हम कह रहे हैं कि हमारे शहर में आसपास बहुत है और बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं उससे, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये जीका वायरस। जीका वायरस देखिए एक वायरस है और ये जो है ये एक वायरल इलनेस ही करता है और मच्छरों के काटने से ये फैलता है, और जिसको मच्छर जो पर्टिकुलर होते हैं दैट इज एडीज एजिप्टाई करके होते हैं। अच्छा। और ये वही मच्छर हैं जो डेंगू फैलाता है और वही मच्छर है जो चिकनगुनिया फैलाता है। तो इन मच्छरों की वजह से ये फैल रहा है और एक नॉर्मल वायरल इलनेस है। जी डॉक्टर साहब, कैसे पता करें कि एक जैसे बच्चे हैं खेलते कूदते रहते हैं लेकिन सडनली कुछ जैसे छींक हुई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और घर में ही कुछ ना कुछ घरेलू उपचार करके कि चल हो जाएगा एक दो दिनों में ठीक, लेकिन ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता करें कि इसको जीका वायरस ने घेर लिया है, ऐसे क्या है? देखिए, एक तो जीका वायरस जो होता है नॉर्मल वायरल इलनेस की तरह होता है जी, और कुछ सिम्टम होते हैं इसमें जैसे बुखार आना, सर में दर्द होना, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, जोड़ों में सीवियर दर्द होना, मस्क्यूलर क्रैम्प्स आना, तो ये सब सिम्टम लगे बुखार, तो ये थोड़ा सा और एक या लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सब जिका वायरस की तरफ इंडिकेट करते हैं। और हालांकि डायग्नोस तो डॉक्टर ही करेगा, कन्फर्म भी डॉक्टर ही करेगा, पर ये एक आपको डाउट हो जाता है कि जीका वायरस है। तो सर ऐसे में क्या हम कर सकते हैं कि बच्चा क्योंकि परेशान होता है तो माँ बाप का भी जी दुखता है और बड़े लोग जो होते हैं वो भी दुखी होते हैं उनको देखकर, बच्चा खुद बहुत परेशान होता है, तो ऐसे में क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जो इन बीमारियों से हम दूर रह सके? बिल्कुल, इसमें हाइजीन घर की क्लीन रखी जाए जी, घर की सराउंडिंग को क्लीन रखा जाए जी, पानी इकट्ठा ना किया जाए जिसमें मच्छर पनपते हैं, और पेड़ पौधे ज्यादा बड़े लग रहे हो तो उनको कटवा के रखा जाए क्योंकि झाड़ियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो रखी जाए। और घर में फिनाइल का पोचा लगे और आसपास की सराउंडिंग में और छत पर जो है वो भी सफाई रहे। ये बिल्कुल, यानी थोड़ी सी सावधानियां है प्रज्ञा, तो वो सावधानियां रखकर आप इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सर आप यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और दर्शकों, अब वक्त हो चुका है क्योंकि हम आपको ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ रूम लेके चले, लेकिन उससे पहले हम लोकगीत ज़रूर सुनाएंगे और साथ ही ये पर्व आपके जीवन के लिए शुभ व मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें और यूं ही हमसे मिलते रहे। और इसी के साथ एक बार फिर हम कहना चाहेंगे शुभ दीपावली, नमस्कार।